Hello students, today we are going to solve exercise question number 1.25. If NaCl is dropped in 10 to the power minus 3 mole percent of strontium chloride, what is the concentration of cation vacancies? Right? यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हमारे पास NaCl का कोई क्रिस्टल है, उसमें क्या कर रहे हैं हम, स्ट्रोंसियम की इम्प्योरिटीज ऐड कर रहे हैं. ओके, अब स्ट्रोंसियम की इम्प्योरिटी ऐड करने पे क्या होगा, तो वैकेंसी फॉर्म होगी. क्यों? सपोज कि हमारे पास ए एन ए प्लस सी एल माइनस एन ए प्लस सी एल माइनस. ओके, सी एल माइनस एन ए प्लस सी एल माइनस एन ए प्लस एन ए प्लस सी एल माइनस एन ए प्लस सी एल माइनस. ओके, अब यहाँ पे जब भी हम स्ट्रोंसियम को ऐड करेंगे तो स्ट्रोंसियम का चार्ज कितना होता है, प्लस टू. सही है, तो मतलब स्ट्रोंसियम ऐड करने पर हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनली वो क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा. मतलब कि जो स्ट्रोंसियम के दो मॉलिक्यूल हमें ऐड करने होंगे, तो यहाँ से हमें दो सोडियम के एटम क्या करने होंगे, दूर करने होंगे. तो यहाँ पे मैंने एक और दो सोडियम क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, क्योंकि स्ट्रोंसियम टू प्लस इक्वल टू टू एन ए प्लस होगा, तभी तो चार्ज सेम होगा. तो एक स्ट्रोंसियम ऐड करने के लिए हमें कितना करना पड़ रहा है, तो टू एन ए प्लस को रिमूव करना पड़ रहा है. तो यहाँ पे अगर एक जगह स्ट्रोंसियम प्लस टू आ जाएगा तो एक जगह क्या हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी हमारी. सही है, तो यही पूछा गया है कि जब हम 10 टू द पावर माइनस 3 मोल परसेंट जितने स्ट्रोंसियम को ऐड कर रहे हैं तो जो वैकेंसी है वो कितनी होंगी. सही है, तो जितना ऐड किया, एक स्ट्रोंसियम ऐड करने पे एक वैकेंसी मिली, तो इतने स्ट्रोंसियम को ऐड करने पे वैकेंसी भी कितनी मिलेगी, इतनी ही मिलेगी. सही है, आई बात समझ में. ओके, तो हम बात करते हैं, यहाँ पे परसेंटेज की बात कही गई है, तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट द मोल्स ऑफ NaCl इन क्रिस्टल इक्वल टू 100. सही, ये अगर 100 होंगे तो उसी में जो हम इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं वो कितनी हो जाएगी, ये परसेंटेज निकल जाएंगे. सही है, सो वी विल गेट मोल्स ऑफ स्ट्रोंसियम क्लोराइड डॉप्ड इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 परसेंट ऑफ दैट 100. तो हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100, सो यू विल गेट 10 टू द पावर माइनस 3 मोल. ओके, चलो अब ये जो मोल आए हैं वो किसके लिए हमें मिले हैं, कि अगर हम 100 में कितना करते हैं, 100 में अगर हम 10 टू द पावर माइनस 3 परसेंट, राइट, सो वी कैन से दैट यहाँ पे कि जो अगर डॉप्ड Cr प्लस टू आयन इतने हैं तो जो वैकेंसी है वो भी कितनी होगी, उतनी ही होगी. सही है, ये जो बात यहाँ पे हमने समझी है उसे वर्ड्स में भी लिख लेते हैं. कैसे लिख सकते हैं, ईच Sr प्लस टू आयन विल रिप्लेस टू एन ए प्लस आयन, राइट, आउट ऑफ टू वैकेंट पोजिशंस वन इज ऑक्यूपाइड बाय स्ट्रोंसियम प्लस टू आयन एंड अदर रिमेन वैकेंट, राइट. जैसे कि हमने यहाँ पे बात की, पहले सारी जगह पे क्या था, एन ए प्लस सी एल माइनस एन ए प्लस सी एल माइनस एन ए सी एल माइनस एन ए प्लस सी एल माइनस एन ए प्लस. सही है, जब एक स्ट्रोंसियम प्लस टू को ऐड करते हैं तो दो एन ए प्लस आयन रिमूव होते हैं, तो यहाँ दो पोजिशन से सपोज के एक एक एन ए प्लस आयन रिमूव हो गए, तो दो वैकेंट पोजिशन मिली, उसमें से एक में स्ट्रोंसियम प्लस टू आ जाएगा जबकि दूसरी जगह क्या हो जाएगी, वैकेंट. मतलब जितने स्ट्रोंसियम प्लस टू ऐड करते हैं उतने ही वैकेंट पोजीशन हमें यहाँ पे मिलती है. सही है, तो एक अगर उमेरा तो एक वैकेंट पोजीशन मिली, यहाँ पे हम कितने ऐड कर रहे हैं, 10 टू द पावर माइनस 3 मोल जितने, तो वैकेंट पोजीशन भी कितनी मिलेंगी हमें, उतनी ही मिलेंगी. सो वी कैन राइट दैट नंबर ऑफ वैकेंट पोजीशन ऐसा लगता है
vacant position in 100 mole इन 100 mole NaCl। सही है, ये सारी बात हम किसके लिए कर रहे हैं, 100 mole के लिए। सही है, तो वो कितनी हो जाएगी, 10^-3 मोल। नाउ अगर 100 के लिए इतनी है, सो वी कैन सी दैट द वैकेंट पोजिशन इन 1 mole इन 1 mole NaCl वो कितनी हो जाएगी, तो 10^-3 डिवाइडेड बाई 100 जितनी, मतलब 10^-5 मोल हो जाएंगी। राइट, नाउ ये तो पोजीशन हुई हमारी, अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द ओनली नंबर ऑफ वैकेंसी। सही है, ये तो कितने मोल है वो ही, तो मोल को हमें नंबर में कन्वर्ट करना हो, देन नंबर ऑफ वैकेंसी पर यूनिट मोल ऑफ NaCl। सही है, 1 mole में नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी होंगी, तो ये जो 10^-5 है उसके मल्टीप्लाई बाई क्या करना होगा, एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि नंबर फाइंड आउट करने हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये -5 है, 10^23 है, सो वी कैन गेट दिस 6.022 × 10^18 वैकेंट पोजिशन। सही है, कि पर यूनिट NaCl, पर मोल NaCl, सही है, उसमें कितनी होगी, इतनी पोजीशन वैकेंट होगी जब हम स्ट्रोंसियम को 10^-3 mole% के जितना ऐड करते हैं। ओके, होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस क्वेश्चन।